हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एंटोमोलॉजी के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए एंटोमोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और हम सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे और एक एक टर्म्स को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया है दोस्तों कि बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाय, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। बर्ड नेक्रोसिस यानी कि ग्राउंड नट के अंदर, ग्राउंड नट में जो बर्ड होते हैं, बर्ड बर्ड में जब सड़न पैदा होती है यानी नेक्रोसिस पैदा होता है, तो वो ट्रांसमिट किसके वजह से होता है, वो वेक्टर किसके वजह से ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है थ्रिप्स। बर्ड नेक्रोसिस ग्राउंड नट में थ्रिप्स इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट गिवेन बाई, तो समझते हैं कि व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दोस्तों दो, नॉमिनल मतलब होता है नाम वाला, और नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, यानी कि द्विनाम दो नाम वाला नामकरण किसके द्वारा दिया गया था सबसे पहले, दो नामों वाला नामकरण किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो दोस्तों किसी भी सब ऑर्गेनिजम्स का दो नाम दिया गया, जैसे होमो सेपियंस, होमो क्या है जीनस का नाम है, सेपियंस क्या है स्पेसीज का नाम है। तो जीनस और स्पेसीज के नेम पे दो नाम में जो है कि नाम करण की पद्धति सबसे पहले कौन दिया था, तो उसका सही जवाब है दोस्तों कैरोलस लिनियस। लिनियस साहब के द्वारा, कैरोलस लिनियस जी के द्वारा जो है कि बाइनोमिनल नामेनक्लेचर जो है कि दिया गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ मेज स्टेम बोरर, यहां पे ध्यान रखेंगे मेज के स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है दोस्तों। मेज में जो स्टेम बोरर लगता है, स्टेम को छेद करता है, उसको बोरर बोलते हैं। स्टेम बोरर जो मेज में लगता है उसके साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, तो उस इंसेक्ट का नाम होता है दोस्तों चिलो पार्टेलस। चिलो पार्टेलस मेज बोरर का, मेज स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम होता है चिलो पार्टेलस, ठीक है पार्टेलस। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि टर्माइट कंट्रोल कैन आल्सो बी डन बाई, ठीक है टर्माइट कंट्रोल कैन आल्सो बी डन बाई, टर्माइट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो टर्माइट कंट्रोल को दोस्तों इरिगेशन के द्वारा, सिंपल प्रोसेस इरिगेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि टर्माइट के लिए जो है कि प्रोल का क्या दवा लगता है, क्लोरपाइरीफास, सॉरी थोड़ा थोड़ा सोचने में मुझे वक्त लगा, तो क्लोरपाइरीफास का यूज करके टर्माइट को कंट्रोल करते हैं केमिकली रूप से, लेकिन टर्माइट को जो है कि इरिगेशन करके, नॉर्मल इरिगेशन करके भी खत्म किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि टर्माइट एक ऐसा इंसेक्ट है जो 150 से लेकर 200 फीट तक अंदर जमीन में रह सकता है, ठीक है उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी डेवलप हो जाती है अंदर, और अगर इरिगेशन करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी डूब जाती है, ठीक है जिसकी वजह से टर्माइट को इरिगेशन के द्वारा सिंपली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो टर्माइट कंट्रोल इरिगेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, बेस्ट तरीका है क्लोरपाइरीफास। क्लोरपाइरीफास मैं बार बार नाम बोल रहा हूं इसका, क्लोरपाइरीफास का यूज करते हैं टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट इज, ठीक है इंसेक्ट के अंदर चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीट करने वाला, सिक्रेट करने वाला ऑर्गन कौन है, मेन सिक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन है इंसेक्ट का। तो दोस्तों मालपिगियन ट्यूबल्स, मालपिगियन ट्यूबल्स इज द राइट आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है कि देखने को मिलता है मालपिगियन ट्यूबल्स जो है कि इंसेक्ट के अंदर चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। ओपन ब्लड सिस्टम पाया जाता है इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, और उसमें जो डाइजेस्टिव कैनाल होता है उसी में जो है कि मालपिगियन ट्यूबल्स नीचे के साइड में होता है और वहीं से सिक्रेशन होता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाई, जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाई, ठीक है जुवेनाइल हार्मोन्स सिक्रेट होता है किसके द्वारा, तो कार्पोरा अलालिया, अलालिया के द्वारा
कारपोरा अलाइया के द्वारा जो है कि जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। ये भी आपका दोस्तों एक इंसेक्ट है, इसको आप नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ट्री बॉन्डिंग इज यूजफुल फॉर कंट्रोल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट 2023 में 13 में पूछ चुका है दोस्तों कि ट्री बॉन्डिंग, ट्री पे बैंडिंग करना एक यूजफुल कंट्रोल मेथड है। किसके लिए, किस इंसेक्ट के लिए? तो ट्री में बैंडिंग करेंगे, अगर ट्री के चारों तरफ अगर कुछ बांधेंगे या फिर बैंडिंग करेंगे, कलर लगाएंगे, तो उससे क्या कंट्रोल होगा? उससे कंट्रोल होगा मैंगो मिली बग। मैंगो मिली बग जो है कि मैंगो के ट्री के ऊपर उसके स्टेम के ऊपर अटैक करता है, और उसको जो है कंट्रोल करने के लिए ट्री बैंडिंग यूज किया जाता है, ट्री बाइंडिंग मेथड आपका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंसेक्ट इज, एक इंसेक्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो इंसेक्ट के पास जो है कि 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंसेक्ट के पास जो है कि 3 पेयर में लेग होता है, यानी कि 6 पैर होते हैं। यही जो है इंसेक्ट का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, यही अंतर होता है इंसेक्ट में और बाकी चीजों में। मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच इज द बेस्ट सुटेबल स्पेसीज फॉर बी कल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी स्पेसीज जो है कि ज्यादा सुटेबल होती है बी कल्चर के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी स्पेसीज ज्यादा बेहतरीन सुटेबल होती है? तो वो है दोस्तों एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है कि काफी सुटेबल होती है, काफी जो है कि कन्वीनियंट होती है, इनको पालना आसान होता है। उसके बाद जो है कि ये अमेरिकन बी होती हैं, इनको पालना काफी आसान होता है, बढ़िया प्रोडक्शन देती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सुटेबल स्पेसीज है बी कल्चर के लिए। उसके अलावा एपिस इंडिका, वो जो है कि कम प्रोडक्शन देती है, पालना भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट एपिस डॉर्सेटा, डॉर्सेटा जो है कि काफी खतरनाक होती है, जान तक ले लेती है मनुष्यों के, इसलिए जो है कि उनको पालना खतरों से खाली नहीं होता है, और उनकी रेयरिंग नहीं हो सकती है, उनको पाल नहीं सकते हैं, वो जो है कि ऊंचे स्थानों पे अपना घोंसला बनाती है या अपना छत्ता बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि बीटी कॉटन के लिए, बीटी कॉटन के लिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? तो आइए समझते हैं बीटी क्या है। बीटी का फुल नेम होता है बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस। बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है जो कि लेपिडोप्टेरेंस इंसेक्ट के लिए जो है कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। तो बीटी कॉटन जो है कि बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस बैक्टीरिया को कॉटन प्लांट में जीन ट्रांसफर के द्वारा जो है कि ट्रांसमिट कराया जाता है, जिसके वजह से कॉटन प्लांट में बीटी बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस बैक्टीरिया एक्टिव रूप से पाया जाता है। और जैसे ही कोई इंसेक्ट कॉटन प्लांट को खाता है तो वो जो है कि लेप्टोपेरेंस इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी इंसेक्ट बीटी प्लांट को, लेप्टोपेरेंस इंसेक्ट जो लेपिडोप्टेरा फैमिली के होते हैं, वो बीटी कॉटन को खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैसिलस थ्रोएंजिनेसिस बैक्टीरिया है और वो जो है कि उस लेपिडोप्टेरेंस इंसेक्ट को मार सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि प्लांट पॉपुलेशन क्या होना चाहिए बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन का प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए दोस्तों 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 10,000 प्लांट होने चाहिए बीटी कॉटन के लिए। ठीक है, 10K प्लांट, 10,000 प्लांट एक हेक्टेयर एरिया में होना चाहिए बीटी कॉटन के लिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बीटी इंडिया में बैन है, लेकिन ब्रिंजल के लिए बैन है। बीटी ब्रिंजल भी प्रोडक्शन हो चुका है इंडिया में, इवोल्यूशन हो चुका है, लेकिन बैन है। ठीक है, बीटी कॉटन स्टार्ट है, इंडिया में चल रहा है अभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, लार्जेस्ट साइज ऑफ हनी बी इज, अभी मैंने बात किया पिछले क्वेश्चन में, हनी वाले क्वेश्चन में, कि लार्जेस्ट साइज का हनी बी कौन होता है, सबसे खतरनाक हनी बी कौन होता है? तो दोस्तों उसका नाम है एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द हनी बी, एपिस डॉर्सेटा, इसको पालना काफी खतरनाक होता है दोस्तों। ये किसी के पालन में नहीं आते हैं, ये वाइल्ड रूप से होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और ये जंगलों में जो है कि रहना पसंद करते हैं, ऊंचे टीलों में, ऊंचे पर्वतों पर रहना पसंद करते हैं, इनको पालना आसान नहीं होता है,
और ये जो है कि लार्जेस्ट साइज वाले हनी भी होते हैं, और इनके जो छत्ते बनते हैं काफी बड़े बड़े छत्ते बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रोमेडियोलोन 0.005% इज एन इफेक्टिव। ठीक है, ये दोस्तों दवा का नाम है। ये दवा है क्या, कौन सा दवा है, रोडेंटिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है कि क्या है? तो दोस्तों ब्रोमेडियोलोन 0.005% एक जो है कि रोडेंटिसाइड है, रोडेंट्स को मारने का काम करता है, यानी कि चूहों को मारने का काम करता है। ठीक है, ब्रोमेडियोलोन 0.005% ये रोडेंटिसाइड है, रोडेंट्स को मारने का काम आता है, चूहे खरगोश इत्यादि को मारने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस एट कॉमर्शियल लेवल ऑफ फॉर पेस्ट। ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है जो कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस होता है पेस्ट कंट्रोल के लिए? तो अभी बात हो रही थी बीटी कॉटन की, तो बीटी का फुल नेम होता है बैसिलस थ्रोजेनेसिस। तो वही दोस्तों यही बैक्टीरिया है जो कॉमर्शियल लेवल पे पेस्ट कंट्रोल के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, बैसिलस थ्रोजेनेसिस, बैसिलस थ्रोजेनेसिस। ठीक है, ये जो है कि ऐसी बैक्टीरिया है जिसका प्रोडक्शन कॉमर्शियल लेवल पे पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इससे जो है कि लैपिडोप्टेरस इंसेक्ट, यानी कि लैपिडोप्टेरा आर्डर वाले इंसेक्ट ही प्रभावित होते हैं। लैपिडोप्टेरस जब इनको फीड करते हैं, खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को रप्चर कर देती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, हाउस फ्लाई स्प्रेड द डिजीज। हाउस फ्लाई कौन सी डिजीज स्प्रेड करती है, यानी कि घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी जिसका जूलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, और ये जो है कि कलरा डिजीज को स्प्रेड करती है। ठीक है, हाउस फ्लाई कलरा डिजीज, कलरा हो जाता है, टट्टी उल्टी वगैरह होने लगती है। ठीक है, तो कलरा डिजीज को स्प्रेड करती है हाउस फ्लाई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, द सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल इज। वेजिटेबल के लिए सेफ इंसेक्टिसाइड कौन सी है, वेजिटेबल्स के लिए सेफ इंसेक्टिसाइड। वेजिटेबल्स दोस्तों ऐसी सब्सटेंस, ऐसा चीज है कि हमें हर हफ्ते, हर दो दिन तीन दिन पर तोड़ना होता है, तो उस पर अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए हम लोग जो है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को देते हैं वेजिटेबल्स को, तो उसके लिए सेफ इंसेक्टिसाइड माना जाता है मेलाथियान को। मेलाथियान जो है कि वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए सेफ इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि इसकी परसिस्टेंसी बहुत कम होती है, ये दो तीन चार दिन में जो है कि उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। इसकी जो परसिस्टेंसी होती है, इसकी जो रुकने की क्षमता होती है, इसकी जो इसका इफेक्ट होता है, वो दो तीन चार दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि इसको सेफ इंसेक्टिसाइड माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे दोस्तों, द मोस्ट वाइडली यूज्ड फेरोमोन इज। कौन सा ऐसा फेरोमोन है जो ज्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज होता है? तो दोस्तों वो है सेक्स फेरोमोन। ठीक है, सेक्स फेरोमोन का ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि सेक्स फेरोमोन से फीमेल मॉस्किटो या फीमेल मक्खियां, फीमेल इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और जो है कि अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा यूज होता है सेक्स फेरोमोन। मेजर पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्सिस, कुकुरबिट्स के लिए जो है कि मेजर पेस्ट कौन है, कौन सा पेस्ट ऐसा है जो मेजर दिखता है कुकुरबिट्स में? तो किसी भी कुकुरबिट्स में आप दोस्तों चलने जाएंगे घूमने, तो आपको ये पेस्ट जरूर दिखेगा, पंपकिन बीटल नाम है इसका। ठीक है, रेड कलर का होता है और दिख ही जाता है, किसी भी कुकुरबिट वाले क्रॉप में आप अगर विजिट करने चले जाते हैं तो रेड कलर की मक्खी आपको दिखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है पंपकिन बीटल। ठीक है, पंपकिन बीटल ये मेजर पेस्ट है कुकुरबिट्स का, इसको जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डायमंड बैक मोथ इज अ पीट ऑफ। ठीक है, डायमंड बैक मोथ किसका पीट है? सॉरी, पीट है, गलत लिखा गया है दोस्तों। डायमंड ब्लैक मोथ इज अ पेस्ट ऑफ, डायमंड ब्लैक मोथ, यहां पे मिस टाइपिंग हुआ है, तो डायमंड बैक मोथ इज अ पेस्ट ऑफ, यहां पे पेस्ट होगा, इसको पेस्ट कर लीजिएगा, पेस्ट
ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफेरा फैमिली के का पेस्ट होता है डायमंड बैक मॉथ। ठीक है दोस्तों, डायमंड ब्लैक बैक नहीं है, ब्लैक है ये, डायमंड ब्लैक मॉथ जो है कि क्रूसीफेरा फैमिली का पेस्ट है। ठीक है, क्रूसीफर्स का क्रूसीफेरी फैमिली के पेस्ट होता है डायमंड ब्लैक मॉथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द बॉल गॉड इज, बॉल गॉड क्या है, तो ये ट्रांसजेनिक कॉटन होता है दोस्तों। ठीक है, बॉल गॉड कॉटन का ट्रांसजेनिक फार्म है, ट्रांसजेनिक कॉटन है बॉल गॉड। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट फॉर क्वारंटाइन पर्पज इज, ठीक है, क्वारंटाइन पर्पज के लिए मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट कौन है। अब दोस्तों समझते हैं कि फ्यूमिगेंट क्या होता है। फ्यूमिगेंट यानी कि जिसका फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है, जिससे धुआं निकाल करके, जहरीली धुआं निकाल करके इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, उसी को फ्यूमिगेंट बोलते हैं। तो क्वारंटाइन पर्पज के लिए यानी कि बिल्कुल अलग करने के लिए, साफ करने के लिए, बिल्कुल क्लियर करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड जो है कि मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट है, इसका फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है क्वारंटाइन पर्पज से, मिथाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, क्वारंटाइन नाम आप तो समझ ही गए होंगे, कोविड में खूब यूज किया गया था। द मोस्ट इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट के लिए मोस्ट इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन। अब मोल्टिंग समझते हैं दोस्तों, मोल्टिंग क्या होता है, वन फेज से सेकेंड फेज में पहुंचने का प्रक्रिया मोल्टिंग कहलाती है, यानी कि निर्मोचन इंसेक्टों में होता है दोस्तों। इंसेक्ट लार्वी से निम्फ में कन्वर्ट होते हैं और निम्फ से जो है कि एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसी प्रक्रिया को मोल्टिंग बोलते हैं। तो मोल्टिंग का मोस्ट इफेक्टिव हार्मोन क्या कहलाता है, एक डाइस्टोन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, एक डाइस्टोन नाम का हार्मोन है जो मोस्ट इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन है इंसेक्ट का। आगे बढ़ेंगे। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट आर, मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या निकलता है इंसेक्ट जो है कि एक्सक्रीटा के रूप में क्या निकालता है, क्वेश्चन यही है, इंसेक्ट एक्सक्रीटा के रूप में क्या निकालता है, तो दोस्तों यूरिक एसिड निकालता है। ठीक है, यूरिक एसिड निकालता है। हम लोग क्या निकालते हैं, ह्यूमन बींग एक्सक्रीटा के रूप में क्या निकालता है, तो यूरिन निकालता है दोस्तों, हम लोग यूरिन निकालते हैं, इंसेक्ट जो है कि कम मात्रा में निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नोसीमा डिजीज ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, ठीक है, नोसीमा डिजीज लगता है हनी बी के अंदर जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है दोस्तों, और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है नोसीमा एपिस, नोसीमा एपिस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिल्वर सूट एंड ओनियन लीफ इन राइस इज कॉज्ड बाय गाल मिर्च, ठीक है, सिल्वर सूट और ओनियन लीफ इन राइस, राइस में ओनियन जैसा लीफ हो जाता है या सिल्वर कलर का सूट हो जाता है, ठीक है, वो जो है कि किसके वजह से होता है, गाल मिर्च के वजह से होता है, जिसका बॉटनिक जियोलॉजिकल नेम होता है ऑर्सियोलिया ओराइजी, ऑर्सियोलिया ओराइजी गाल मिर्च का जियोलॉजिकल नेम है। सिल्वर सूट और ओनियन जैसी लीफ हो जाती है राइस की, तो उसका कारण क्या है, गाल मिर्च एक तरह का इंसेक्ट है दोस्तों जिसका जूलॉजिकल नेम होता है ऑर्सियोलिया ओराइजी, ऑर्सियोलिया ओराइजी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन एंड मस्कमेलन इज ट्रांसमिटेड बाई, ठीक है, जो बर्ड नेक्रोसिस होता है वाटरमेलन में और मस्कमेलन में, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है दोस्तों, तो वो ट्रांसमिट होता है एफिड्स के द्वारा। ठीक है, एफिड्स के द्वारा जो है कि बर्ड नेक्रोसिस कर रहा है, सपोन कर रहा अभी, ओके, बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन एंड मस्कमेलन इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, ठीक है, एफिड के द्वारा होता है बर्ड नेक्रोसिस। आगे बढ़ते हैं। चलो ये लो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इंसेक्ट कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी इज, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो हाई टेम्परेचर पे और लो ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव कर ले जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों खपरा बीटल, यानी कि टी ग्रेनेरियम, ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम है टी ग्रेनेरियम खपरा बीटल। तो
दोस्तों ये हाई टेम्परेचर पे और लो ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव करता है, खपरा बीटल आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट इज यूज एज एन एट्रैक्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का यूज जो है कि एक अट्रैक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, किसको कंट्रोल करने के लिए, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का यूज जो है कि अट्रैक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, किसको कंट्रोल करने के लिए, फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का यूज किया जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, एक अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, किसको अट्रैक्ट करता है, फ्रूट फ्लाई को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एफेलिनस माल हैज बीन सक्सेसफुल पैरासिटाइड इन कंट्रोलिंग, एफेलिनस माल हैज बीन सक्सेसफुल पैरासिटाइड इन कंट्रोलिंग, ठीक है। तो एफेलिनस माल एक क्या है, पैरासिटाइड है, किसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका नाम है एप्पल उली एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए एक पैरासिटाइड का यूज करते हैं, जिसका नाम है एफेलिनस माल, इसको भी याद रखेंगे। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, रोडोलिया कार्डिनालिस हैज बीन सक्सेसफुल प्रीडेटर इन कंट्रोलिंग, ठीक है, फिर से प्रीडेटर से क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों समझते हैं कि प्रीडेटर क्या है, प्रीडेटर दोस्तों वही होता है जो किसी एनिमी को खा जाता है, प्रीडेटर वो जंतु होता है जो किसी एनिमी को खा जाता है, जैसे एक इंसेक्ट होता है कॉक्सिनेला सेप्टापंकटाटा, वो क्या होता है, एफिड्स को खा जाता है, एफिड क्या करता है, नुकसान करता है हमारे सरसों के पौधों को, लेकिन एफिड को खा जाने वाला कॉक्सिनेला सेप्टापंकटाटा एक प्रीडेटर होता है, ठीक है। तो प्रीडेटर यानी कि रोडोलिया कार्डिनालिस ये भी क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि प्रीडेटर है, जो कॉटनी कुशन स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉटनी कुशन स्केल के कंट्रोल में यूज किया जाता है, कॉटनी कुशन स्केल के कंट्रोल में रोडोलिया कार्डिनालिस एक प्रीडेटर का यूज किया जाता है, ये इंसेक्ट जो है कि कॉटनी कुशन स्केल को खा जाता है, जिससे कॉटन हमारा सुरक्षित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रोडोलिया कार्डिनालिस एक प्रीडेटर है, अभी पिछला क्वेश्चन भी था, एफेलिनस माल एक पैरासिटाइड है, पैरासाइट को मार जाता है, ये जो है कि पैरासाइट को ही मारता है, इसलिए इसका नाम है पैरासिटॉइड, ठीक है। और ये है आपका रोडोलिया कार्डिनालिस प्रीडेटर, ये जो है कि कॉटनी कुशन स्केल को कंट्रोल कर देता है। आगे बढ़ेंगे, द इन्फेस्टेशन ऑफ विच इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड, क्वेश्चन है द इन्फेस्टेशन ऑफ विच इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसका इन्फेस्टेशन फील्ड से स्टार्ट होता है, तो दोस्तों उसका नाम है एगोनटोइस ग्रेन मोथ। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे अगर नए हैं तो बताएं कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।